तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज का ये वीडियो शुरू। आज के इस वीडियो में है ना, मैं करूँगा रिव्यू अमेरिकन टूरिस्टर के बैकपैक का। 1.5 साल के बाद किया है ना, 1.5 ईयर के बाद इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। इसे पिछले साल भी सारा इस्तेमाल किया था और इस साल आधा है ना। अब जून की छुट्टियाँ हैं और आप इसे देख सकते हैं। स्टार्टिंग में रेड और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे स्पोर्ट्स लिखा है अमेरिकन टूरिस्टर का है ना, जिम लिखा है, वर्क मोड। इसमें टोटल 1, 2, 3, 4, 5 कंपार्टमेंट है और प्लस ये 6th ना मोबाइल वगैरह रखने के लिए, आप देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट कंपार्टमेंट से शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे कर लूँ एक मिनट। ओ डूड, ये आप देख सकते हैं है ना, ये सबसे छोटा कंपार्टमेंट है। ये बस ऐसे ही छोटा मोटा सामान रखने के लिए, और ये इससे बड़ा है। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेरिकन टूरिस्टर लिखा तो है। देखते हूँ देखते हैं, हाँ अब दिख रहा है अमेरिकन टूरिस्टर लिखा है यहाँ पे भी है ना। और ये रहा अगला कंपार्टमेंट, और ये रहा उससे बड़ा कंपार्टमेंट, यहाँ पे की वगैरह रखने के लिए है ना, आप देख सकते हैं। यहाँ पे दो पीछे दो बड़े है ना दिए, एक मिनट आप देखिए, यहाँ पे रखने के लिए दो बड़े हैं पीछे। एक मिनट बस रुक जाइए, ये है ना पीछे दो हैं, आगे ये दो ना छोटे हैं, और बीच में ये पेन वगैरह रखने के लिए हैं। ये है ना पूरा नीचे तक जा रहा है, काफ़ी बड़ा है। और ये रहा 4th कंपार्टमेंट, ये सबसे बड़ा वाला कंपार्टमेंट है ना, यहाँ पे बुक्स वगैरह रखता हूँ। और इसी 4th कंपार्टमेंट में ये है मोबाइल रखने के लिए, आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट दिया है ना उन्होंने। बाकी अगर आप देखें मोबाइल की बात, तो मोबाइल इसमें कोई छोटा आ सकता है, लेकिन जैसे आप बड़ा है ना थोड़ा कहीं मोबाइल आ जाए, वो इसमें पूरा पूरा ही आता है ना, निकालने में उसे काफ़ी प्रॉब्लम आती है। और ये रहा 5th कंपार्टमेंट, यहाँ पे भी जगह दी है कुछ रखने वगैरह के लिए, फाइल्स वगैरह। और ये रहा मोबाइल वगैरह रखने के लिए, आप देख सकते हैं। कोई चलो पूरा जिप ओपन कर देता हूँ। कोई मोबाइल के लिए ना मैंने, ठीक है नॉर्मल सा मोबाइल आ सकता है ना, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल अगर A50 की अगर आप बात करो ना, इसमें ना पूरा पूरा ही आता है A50। और बस यही है, यहाँ पे दो वाटर बॉटल्स वगैरह के लिए। और एक बात मुझे इसमें काफ़ी अच्छी लगी, जैसे मैं पिछला मेरा बैग था स्काई बैग्स का, उसमें अगर मैं मिल्टन की है ना बड़ी होती है थोड़ी बोतल वो डालता था ना, तो वो गिर जाती थी, लेकिन इसके कारण ना वाटर बॉटल ना गिरती नहीं है। इसका काफ़ी यूज़ है, और दूसरी तरफ भी सेम है। इसे है ना 1.5 साल इस्तेमाल किया है ना 1 एंड, तो फिर भी यहाँ से देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ। और ये है नीचे है ना, ये जिप है वो रेन कवर रखने के लिए। और ये रही बाकी, रेड कलर में आपको कुशनिंग दी है, यहाँ पे लिखा है एयर ग्रूव प्लस। और ये बाकी आप देख सकते। और यहाँ पे एक और बात अच्छी है, ये है यहाँ पे लिखा है ट्रैक्टम सस्पेंशन है ना, एक टाइप का। आप यहाँ से आप देखिए, एक टाइप का ना आपको सस्पेंशन भी दिया है, ताकि अगर भार ज़्यादा हो तो आपको है ना इतना ज़्यादा फील ना हो जब आप जंप वगैरह लगाए हो ना मैंने वैसे भी। और एक और पॉकेट है यहाँ पे कुछ रखने के लिए, यहाँ पे अमेरिकन टूरिस्टर लिखा है। और तो यही है बस रिव्यू, करते हैं आज का वीडियो ख़त्म।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दो यार।